कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह हरियाणा में पानीपत से करनाल जिले में पहुंच गई। करनाल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। करनाल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हिस्सा लिया। जयराम रमेश ने हरियाणा में जोर देकर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च में राहुल गांधी ने तीन बड़े मुद्दों को उठाया है, जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्तावाद शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वह चाहते हैं कि 2024 का आम चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाए। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि यह केवल दिवा स्वप्न है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने गुरुवार की शाम उत्तर प्रदेश से हरियाणा में दोबारा प्रवेश किया था। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पानीपत में एक रैली को संबोधित किया और अर्थव्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना की। हरियाणा में 21 से 23 दिसंबर तक यात्रा के पहले चरण में 130 किलोमीटर की दूरी तय की गई और यह नूह, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से होकर गुजरी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ संपन्न होगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।